डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर हमने किया था उसके अंदर आगे और बात करने वाला है, ठीक है। सो लास्ट टाइम हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो मेथड्स किए थे। वो दो मेथड्स थे टू फाइंड आउट द ग्रुप मीन, राइट। ग्रुप में डेटा अगर दिया है तो उनका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज जो हम लोग मेथड सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। आज मैं आपको उसके साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगा और हम लोग उसके साथ एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। विद एन एग्जाम्पल आपको मेथड किस तरीके से काम करता है वो बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ने लास्ट टाइम जो किया था उसे एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, राइट। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि किसी भी ग्रुप डेटा को हम लोग डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं मीन, ठीक है। आज हम लोग जो सीखेंगे वो और एक मेथड है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में होता क्या था? तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग ने देखा था उसका टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी कि टेबल के अंदर होता है क्लास, फिर होता है क्लास मार्क, यानी कि यहाँ पे जो डेटा होता है, यहाँ पे जो रेंज होता है उनका हमें एवरेज निकालना होता है। यानी कि 24, 26 का एवरेज इज नथिंग बट 26। फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर दे दिया जाता है, फिर हम लोग क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्स आई एफ आई निकाल। ये करने के बाद जो हमारा मीन होता है, यानी कि जो एक्स बार का वैल्यू होता है, एक्स बार जो होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, यानी कि आपको यहाँ पे जो डेटा में एंड में जो सम मिलता है वो डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई, यानी कि आप जो फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि एन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर कुछ नहीं करना है हमें, डायरेक्टली एक्स आई इंटू एफ आई करके उसका सम डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी करके हमें एक्स बार यानी कि मीन मिल जाता है। अज्यूम मीन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते थे? तो अज्यूम मीन मेथड के अंदर हमारे पास टेबल इस तरीके से थी। वहाँ पर भी रेंज यानी कि क्लास, फिर क्लास मार्क था, फिर फ्रीक्वेंसी था। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग ने सीखा, हम लोग क्या बोलते थे कि क्लास मार्क में से किसी एक मिडिल वैल्यू को हम लोग हमारा मीन अज्यूम कर लेता है, जिसे हम लोग ए नाम देते हैं। फिर उस मीन से हम लोग डिविएशन फाइंड आउट करते हैं और एक नया कॉलम बनता है। फिर ये जो डी आई इंटू एफ आई करके हम लोग एक नया कॉलम फाइंड आउट करते हैं, डी आई एफ आई करके, ठीक है। ये जो है इसका यूज़ करके हम लोग ने मीन फाइंड आउट किया था। ये जो मेथड है अज्यूम मीन मेथड, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है एक्स बार इज सेम एज अज्यूम जो भी किया होगा मीन आपने वो, यानी कि ए प्लस डी बार। डी बार क्या है? डी बार इज नथिंग बट मीन ऑफ दिस डिविएशन, दैट मीन्स माई डी बार, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो मेथड्स किए थे। दोनों के अंदर आप देखोगे क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे डी आई और ये एफ आई डी आई यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स आई एफ आई था, ठीक है। सिंपल से मेथड है, लेकिन हम लोग ने क्या बोला कि डायरेक्ट मेथड से कम कैलकुलेशन यहाँ पे लगता है, मल्टीप्लाई कम करना पड़ता है। आज जो हम लोग मेथड सीखने वाले हैं, यानी कि हम लोग आज जो स्टेप डेविएशन सीखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग करते हैं कि ये जो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है ना, वो भी नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक इसके अंदर कॉलम ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते कि क्या है क्वेश्चन। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द हेल्थ इंडस्ट्रीज बाय 100 फैमिलीज इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। फाइंड द मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। इस चीज़ को याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है उसी मेथड से करो। अगर पूछा है स्टेप डिविएशन आप डायरेक्ट मेथड से करके आए तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको जीरो से ज़्यादा मार्क मिलेगा, आपको सिर्फ ये अंडा मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन सा मेथड में क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है। अभी हम लोग सीखने वाले स्टेप डिविएशन मेथड। तो उसका पहले जो बेसिक जो उसका टेबल होता है वो देख लेते क्या होता है। बेसिक टेबल के अंदर होता है क्लास, क्लास मार्क, डिविएशन, एक यू आई करके एक नया कॉलम आ गया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो है, यानी कि मुझे पता चला हम लोग कोई भी मेथड करें उसके अंदर क्लास, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी तो होता ही है। डायरेक्ट मेथड करो, अज्यूम मीन मेथड करो या फिर स्टेप डिविएशन, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि अज्यूम मीन मेथड करो तो आपको वहाँ पे डी आई आ जाता है। तो आप देखो कि हर एक स्टेप के अंदर एक नया कॉलम आ रहा है, ये वाला। हम लोग ने डायरेक्ट मेथड में डी आई नहीं था लेकिन अज्यूम मीन में डी आई था। यहाँ पर एक नया कॉलम आ रहा है यू आई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लास मार्क और डी आई दे देता हूँ, ठीक है। क्लास मार्क क्या होगा? तो क्लास मार्क किस तरीके से फाइंड आउट करते हो? तो अगर मुझे सपोज इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, ये 100 प्लस 1200 यानी कि 2000, यहाँ पे क्लास मार्क हो जाएगा 100 यानी कि 1000। इन दोनों का क्लास मार्क होगा 1400, इन दोनों का क्लास मार्क होगा उसी तरीके से 1800। इस तरीके से आप सबका लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसका मैं लिख देता हूँ इट इज़ 2200 एंड सिमिलरली इसका और इसका कुछ तो आएगा। यहाँ पे मुझे चाहिए अज्यूम मीन, मुझे ए का वैल्यू कुछ तो करना होगा।
ए का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 रोज है, तो मैं थर्ड या फिर फोर्थ रो में से किसी एक को तो मेरा अज्यूम कर लूँगा इन द क्लास पर, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ पर जो हमारा फोर्थ जो डेटा है उसको हमने अज्यूम मीन ले लिया, यानी कि 2200 जो है उसको मैंने अज्यूम मीन ले लिया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 6 है इसलिए थर्ड और फोर्थ जो है मिडिल वैल्यूज आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने जो फोर्थ वाला है उसको अज्यूम मीन ले लिया। तो डिविएशन कैसे निकालते हो, तो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होता है, 1000 - 2200 इज नथिंग बट -1200, 1400 डिवाइड बाय -2200 इज नथिंग बट -800, इन दोनों का डिफरेंस इज -400, इसका डिफरेंस विद इटसेल्फ इज नथिंग बट 0, इन दोनों का डिफरेंस 400, इन दोनों का डिफरेंस इज 800। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है यूआई का, स्टेप डिविएशन के अंदर हम लोग करते क्या है, तो एक नया कॉलम ऐड करते हैं जो हमें उधर एक स्टेप दे देता है, एक छोटा स्टेप दे देता है, जहाँ से क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिविएशन है उसको एक नंबर से डिवाइड कर, ये जो जी है वो नोटेशन किसके लिए यूज़ हो रहा है पता है, वो यूज़ हो रहा है जीसीडी के लिए, यानी कि डीआई जो नंबर्स है उनका जीसीडी हमें यहाँ पे लिखना होता है जी की जगह पे, यानी कि जी इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ डीआईस। अब ये जीसीडी क्या होता है, ये जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसेस, ये जो हम लोग ने जो भी डिवाइसेस लिखा है यानी कि डीआईस जो लिखा है, डिविएशन लिखा है, उनका कॉमन डिवाइस है सबसे बड़ा। आप देखोगे 400 जो है वो एक सबसे बड़ा नंबर है जो हर किसी को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज अगर मैंने 400 से बड़ा नंबर लिया ना तो बाद में और किसी को 400 को डिवाइड नहीं करेगा, है ना। तो 400 विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल ऑफ द नंबर, बिकॉज वो 1200 800 400 0 400 और 800 सबको डिवाइड करें, तो जी इज नथिंग बट द जीसीडी। तो मुझे क्या करना है, सारे डीआई को जी यानी कि 400 से डिवाइड कर देना। तो अगर मैंने सपोज इसको जी यानी कि 400 से डिवाइड किया मुझे मिलेगा -3, इसको यानी कि -800 को 400 से डिवाइड किया -2, फिर ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे लास्ट जो कॉलम है वो है FIUI, डायरेक्ट मेथड में था FIXI, अज्यूम मीन में था FIDI, यहाँ पे आ जा रहा है FIUI। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल हो जा रहा है, अगर सपोज मैं अज्यूम मीन से जाता हूँ तो मैं इसको इसको मल्टीप्लाई करना होता -1200 × 3, फिर 800 × 15, फिर 400 × 20, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, हमने और सिंपल कर दिया उसको। सो -3 × 3 इज नथिंग बट -9, -2 × 15 इज नथिंग बट -30, दिस इज नथिंग बट -20, 25 × 0 इज नथिंग बट 0, 30 × 1 इज नथिंग बट 30, 7 × 2 इज नथिंग बट 40। अब मुझे क्या करते हैं, एंड में हम लोग ऐड करते हैं, सिंस यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया था कि फ्रीक्वेंसी 100 है, आप देखोगे अगर ऐड करोगे तो भी आपको ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 आने वाला, ये और ये कैंसिल हो जाएगा अगर मैंने ऐड करने का, इसको और इसको ऐड करने पे मुझे -6 मिलेगा, -6 और -9 इज नथिंग बट -50, ठीक। जिस तरीके से प्रीवियस मेथड के अंदर हम लोग ने डी बार निकाला था, डी बार क्या था, तो डी बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ FIDI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, उसी तरीके से इस मेथड के अंदर हम लोग यू बार निकालेंगे, यानी कि ये जो यू हम लोग ने निकाला ना स्टेप डिविएशन में, ये जो यू बार निकाला, यू आई निकाला, उनके लिए यू बार निकालेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो यू बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ FIUI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, हमें पता चला दिस समेशन इज नथिंग बट -15 एंड डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज -0.15, यानी कि हमें पता चला ये जो यू आई है उनका मीन जो है दैट इज नथिंग बट -0.15। अब मुझे इस यू बार का यूज करके और ये अज्यूम मीन का यूज करके गिवन जो एक्चुअल डेटा है उसका मीन निकालना है, यानी कि मुझे एक्स बार निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, हमने अज्यूम मीन लिया था ना, तो अज्यूम मीन ए तो लिखना होगा, प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग ने ये यू बार जो मीन निकाला ना वो लेना होगा, लेकिन जब मैं यू बार निकाल रहा था तब क्या ले रहा था, तब मैं हर किसी को जी से डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे जी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन इनसाइड स्टेप डिविएशन में, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उस हिसाब से मुझे पता है मैंने ए क्या अज्यूम किया था, इट इज नथिंग बट 2200, यहाँ पे आप देखोगे, प्लस यू बार का जो वैल्यू मिला है -0.15, जी का वैल्यू मैंने लिया था 400 बिकॉज वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले पा रहे हो तो कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो सबको डिवाइड करे,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को लेने का फायदा क्या होगा पता है, कि उससे नंबर सबसे छोटा मिलेगा, कैलकुलेशन सबसे इजी हो जाएगा। तो हर बार कोशिश करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही लो आप। इट इज 2200। ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, ये प्लस माइनस को मैं माइनस कर देता हूँ पहले तो, फिर ये 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 400, ये 00 का 15 टाइम्स 4, इट इज़ 2200, 15 टाइम्स 4 इज़ नथिंग बट 60, सो इट इज़ सेम एज 2140। सो मुझे पता चला गिवन डेटा के लिए जो मीन है इट इज़ नथिंग बट 2140। बहुत सिंपल तरीका था। क्या क्या करना है, तो क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर डिविएशन, एक अज्यूम मीन लेना होगा मिडिल वैल्यूज़ को, फिर जो भी डी आई मिलता है उनके जी सी डी से डिवाइड करके आपको यू आई फाइंड आउट करना, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई निकालोगे, फिर आपको यू बार निकालना होगा सिंपल मेथड से। फाइनल फॉर्मूला क्या याद रखोगे, तो इट इज एक्स बार इज सेम एज ए प्लस यू बार टाइम्स जी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टेप डिविएशन को देखा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, बाय बाय।